सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। आंधी तूफान आ गया, बारिश भी आ गई, और ये दुपट्टा जो मैंने यहाँ पे नेट के तौर पे यूज़ किया हुआ था, इसकी क्या हालत हो गई, चिथड़े उड़ गए बेचारे के। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मौसम बदल गया है। अभी भी मौसम बदला हुआ ही है, क्लाउड्स आप देख पाओगे, 3-4 दिन का इसी तरीके का मौसम का फोरकास्ट। बारिश हो गई है थोड़ी बहुत, तो अब हम अपने गार्डन में काम कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये बारिश अभी गर्मी की वजह से तो है, लेकिन ये अभी मॉनसून की बारिश इसको नहीं कह सकते। अभी और थोड़ा सा वेट हमें करना होगा, कुछ दिन और रुकना होगा, बट हम अपने गार्डन के काम तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे क्लीनिंग का काम करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारी घास फूस वीड पुरानी बेलें निकाल रही हूँ यहाँ से, जिस तरीके से आप इसमें भी देख पाओगे। और थोड़ा सा मैसी लगेगा आपको ये वीडियो, बट ये गार्डनिंग का काम है, इसके बिना तो गार्डनिंग नहीं हो सकती ना। जहाँ पे गार्डन होगा, कहते हैं ना, जहाँ पे बर्तन होगा वहीं पे शोर होगा, तो वो वैसा ही है जैसे गार्डनिंग है। तो फिर उसके साथ साथ ये वीड वगैरह ये सब भी चलता ही रहेगा, मिट्टी का काम है तो कितना क्लीन आप कर सकते हैं। तो गार्डन अभी काफ़ी मैसी है और धीरे धीरे करके मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ। और कोचिया पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे रोजेस के प्लांट है जिसमें भी काफ़ी सारी पोर्चुलाका है, घास वगैरह। एक्चुअली इतनी घास हुई क्यों है, क्योंकि मैंने गोबर की खाद जो यूज़ करी पीछे, उसकी वजह से थोड़ा लेबर आपके गार्डन में बढ़ जाती है, घास जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल है गार्डनिंग का। क्लीनिंग का भी बहुत सारा काम हो गया क्योंकि आंधी तूफान आई, इतने सारे सूखे ड्राई पत्ते थे वो सब इधर उधर झड़े हुए हैं। तो अच्छे से गार्डन को क्लीन करने वाली हूँ, इसमें थोड़ा टाइम जाने वाला है। और सैपलिंग्स यहाँ पर बैंगन की मेरे पास लगी हुई है, इनको भी ट्रांसप्लांट कर दूँगी। जो जो कंटेनर मैंने खाली किए हैं उसमें सब में बैंगन ही लगा देने वाली हूँ फिलहाल। तो फिर आगे आगे देखेंगे, धीरे धीरे कंटेनर जैसे खाली होते रहेंगे तो फिर कुछ ना कुछ उसमें लगाती रहूँगी। कुछ हार्वेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर अगेन से। हमारे पास ये वाटरमेलन है एक लगा हुआ यहाँ पर, ये सूख गया यहाँ से देखो, तो अब हम इसको निकाल ही लेते हैं, इसकी भी निकाल ही लेते हैं। इसकी फ़ोटो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करूँगी। इसके बाद हमने कुछ मस्कमेलन निकालने, वो भी निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर भी एक लगा हुआ है, तो ये सब निकालने के बाद मैं ये सारी बेलें हैं जो निकाल देने वाली हूँ। जैसे ये भी कच्चा ही है, ये छूट भी नहीं रहा, चलो इसको छोड़ ही देते हैं, अब ये छूट ही नहीं रहा तो कच्चा ही है। बट ये जो आप देख रहे होंगे, ये देखो ये पक चुका ऑलमोस्ट, इसका साइज़ भी थोड़ा ठीक हो गया, ये छूट जाता है जिससे जब इस तरीके से निकालते हैं ना इसको, इसकी खुशबू, माय गॉड, इसकी खुशबू जो है ना पूरे फैल जाती है आसपास, बहुत अच्छी खुशबू है। बारिश भी हो गई ना, तो बारिशों के बाद फ्रेंड्स ये चीज़ें इतनी अच्छी लगती नहीं है, तो इसलिए इनको निकाल लेना बेटर है। फ्रेंड्स, आंधी तूफान आया था तो इसलिए सारे पॉट्स जो है वो नीचे निकाल दिए थे। ये देखो पॉर्चुला का भी बहुत ज़्यादा फैल किया है, तो मैं अब क्लीन कर रही हूँ अगर जैसे पॉट्स को, तो फिर मैं इसको निकालती जाऊँगी। और जो सेपरेट पॉट्स में लगी हुई हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, उनको एज इट इज़ रहने देंगे, बट जो एक्सेस हो रही है जो अदर प्लांट्स के साथ लगी हुई है उनको मैं निकाल दूँगी। यहाँ पे जेड की कटिंग लगाई हुई थी तो ये प्रोपोगेट हो गई अगेन, अब देख पाओगे। अभी तो फिर भी ये दोबारा लग जाएंगी ये पॉर्चुला का, क्योंकि अभी तो सीज़न बहुत लंबा चलता है इनका, तो अभी ये लगने वाली है। फ्रेंड्स, ये सारा जो इंतज़ाम किया हुआ था ये मैं हटा देने वाली हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी गर्मी नहीं पड़ेगी, अभी तो ये कुछ दिन की बारिश है, मौसम धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से ठीक नहीं होता है। बाकी हम अपना काम करते जाएंगे। और ये देखो ये तैड़ों की बेल काफ़ी बड़ी हो गई है, इसको पर मैं यहाँ से हटा के और थोड़ा वॉल की तरफ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये स्टिक्स वगैरह आगे काम आ जाएंगी हमारे, जब हम इसमें बेलें वगैरह अगर कुछ लगाएंगे तो। बरसात में बेलें बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। ये करेले की बेल है, इसे मैं निकाल रही हूँ, हालांकि बहुत अच्छी हो गई थी और करेले भी इसमें बहुत लग रहे थे, पर आपको पता ही है फिर मौसम के आगे किसी का बस चलता नहीं है, तो इसलिए अब इसे भी निकाल दूँगी। ये बड़े वाले कंटेनर में और ये छोटे ग्रीन वाले कंटेनर, दोनों में ये लगी हुई है। हालाँकि अब जैसे बरसात हुई है ना तो ये ग्रीन हो जाएगी, पर अब दोबारा से लगाएंगे।
फ्रेंड्स, ये जो वाइट वाले प्लांटर्स हैं मेरे प्लास्टिक के, इनको भी उठा के मैं स्टैंड के ऊपर रखने वाली हूँ ताकि ये थोड़ा क्लीन लगे। यहाँ पे ये कितना सारा फैल गया, आप लोरोपेडलम देखो। थोड़ा इस तरफ शेड रहती थी कुछ टाइम के लिए, तो हल्की हल्की इसकी पत्तियाँ ग्रीन भी हैं। अगर फुल सन में आप इसको रखोगे तो ये हमेशा पर्पल ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फैल गया है, हल्की हल्की प्रून कर दूँगी। जो ज़्यादा हार्डी प्लांट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रून करूँगी ताकि मैनेजेबल लगे। और रोज़ेस को भी प्रून नहीं करने वाली हूँ, हालांकि मैंने इनके नीचे की मिट्टी में जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स थे सब निकाल दिए, बट रोज़ेस को भी प्रून नहीं करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है और आपको पता है फंगस वगैरह का भी अब खतरा रहता है जैसे जैसे बारिश होती है, तो बहुत जल्दी इसमें फिर फंगस भी लग जाती है, डाईबैक लग जाती है, तो वो सब ना लगे इसलिए अभी प्रून मैं इसको नहीं कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा सिंजेरियम का प्लांट है जिसमें कि काफ़ी बर्न थी गर्मी की वजह से, इसको मैंने सॉफ्ट प्रून कर दिया है। सारी बर्न वाली लीव्स इसकी निकाल दी हैं। अब देखते हैं कि कुछ दिनों में इसकी क्या ग्रोथ होती है। ऐसा लग रहा है इस प्लांट पे पता नहीं कितना बोझ था और अब हेयर कट लेके ये एकदम रिलीफ फील कर रहा है। इतनी सारी कटिंग्स निकाली मैंने इसकी, जो भी एक्सेस ब्रांचेस थी लैगी हो रही थी सब प्रून कर डाली। सेम इज़ द केस विद दिस पर्पल हार्ट। इसकी ग्रोथ देखो फ्रेंड्स आप, जेड प्लांट की। आप लोगों के सामने ही मैंने ये प्लांटर्स में शिफ्ट किया था इनको, ये जो व्हाइट वाले प्लांटर्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। आई थिंक 1.5 या 2 महीने हुए होंगे इसकी ग्रोथ देखो आप, जबकि इसमें से मैंने कुछ कटिंग्स लेकर और जगह लगा भी लिए हैं, बट बहुत अच्छा बढ़ रहा है ये। अभी फिर मैं इसको प्रून कर दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है, ये पेड़ की शेप ले रहा है। इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे प्लांट्स के साइड्स में, और मैंने काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया था। ये देख रहे हो आप टर्टल वन किस तरीके से फैल गया ज़मीन में, और ये अगर इसी तरीके से ज़मीन में रही तो बरसात के दिन है ये ज़मीन में ही फैलती जाएगी, यहीं पे अपनी जड़ें वगैरह ले लेगी। तो ये सब काम हमको नहीं होने देना है अपने टेरेस पे, और टेरेस का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, तो इसलिए ये सब निकाल दूंगी आज। पॉट्स में हो सकता है रहने दूँ, एक्स्ट्रा प्लांट्स निकाल दूंगी और थोड़ी बहुत छोड़ दूंगी ताकि बिल्कुल ही खाली ना लगे प्लांट्स। और उसके साथ साथ ये जितना हमने वाटरफॉल इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की थी अच्छा लग रहा था ये, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ही क्राउडी हो जाती है चीज़ें तो फिर मैसी भी लगने लगती है, तो टाइम टू टाइम इनको क्लीन करना भी ज़रूरी है। बस मैं ये फटाफट से क्लीन करती हूँ और फिर आप लोगों को मिलती हूँ। पीछे से मैं करती आ रही हूँ, ये सब मैंने काम यहाँ पर कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, देखो मेरा दिल टूट गया। जोक्स अपार्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। फ्रेंड्स, ये चंपा की कटिंग्स दो लगाई थी मैंने और दोनों में से ये वाली ज़्यादा अच्छी चल पड़ी है क्योंकि इसमें रूट्स बन गई। देखो, ये देख रहे होगे आप नीचे, इसमें रूट्स निकल आई हैं। अब मैं इसको इस गमले में लगाने वाली हूँ। साथ में एक कटिंग और थी, इसमें भी लीव्स निकल आई थी और रूट्स भी बन गई होंगी तभी इसने ग्रोथ ली थी आगे, लेकिन अब जैसे बारिश हुई तो नीचे से ख़राब हो गया, बट स्टिल मैं इसको लगा देने वाली हूँ। एक ही गमले में लगा देंगे और बाद में अगर ये चल पड़ा तो फिर देखेंगे अगर इसको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ी कि नहीं। फ़िलहाल मैं इसको लगा देती हूँ। फाइनली इट्स डन। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारी मेहनत आज की, ऑलमोस्ट 5 to 6 hours मुझे लगे पूरा गार्डन क्लीन करने में। एक क्लीन एंड नीट लुक मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय।